आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप कुछ जॉब वगैरह क्यों नहीं कर रहे? योर फेवरेट डेस्टिनेशन टू ट्रैवल। इनके संस्कार हम में आए हैं इसलिए हम भी, यू बोथ लुक अलाइक। और तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलग मेरी क्वालिफिकेशन मैंने पहले भी बताई है मेरी। आर यू रेडी? हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और दिन भर मेरी, मतलब पिछले कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कल कुछ शूट नहीं किया था, तो आज मैंने फाइनली शुभम को कहा कि मुझे आज शूट करना ही करना है तो मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। और मेरे हस्बैंड अपने काम से थोड़ा बाहर गए हैं, सेटअप वगैरह अरेंज करके दिया मुझे, तो जब तक वो आएंगे उन्होंने कहा कि तू फ्री हो जा तो अपने सारे क्वेश्चन के आंसर कर ले आराम से, क्योंकि बहुत लोगों को काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी रहती है यार मुझे जानने की, और जो कि मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो। वैसे तो मैं बहुत बार कोशिश भी करती हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई भी कर दूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि यार मैं भूल गई या फिर वो स्किप हो गया, मतलब ध्यान नहीं रहता। तो इस बारी मैंने पूरा सोच के रखा था कि इस बारी मैं प्रॉपर क्यू एन ए करने वाली हूँ, जैसे कि मैं एक साल पहले भी क्यू एन ए कर चुकी हूँ और मैंने हमेशा सोचा है कि मैं हर एक साल में एक एक क्यू एन ए करती रहूंगी। तो जो जो आपके क्वेश्चंस हुआ करेंगे आप लोग पूछ लिया करना, और जो पिछली बारी के बच गए थे क्वेश्चंस वो भी अभी मैंने लिए हैं, और अगर इस बारी भी बच जाएंगे तो माफ करना, अगले वाले में कर दूंगी आराम से। बाकी तो चलो अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू रेडी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और देखो मेरी एक्साइटमेंट से पता लग ही रहा होगा कि मैं बढ़िया सूट बूट पहन के आई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है श्रेया शर्मा जी का। इन्होंने लिखा है, आप कुछ जॉब वगैरह क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यार देखो आपको तो पता ही है कि मेरे हस्बैंड है गवर्नमेंट जॉब में और मैं हूँ, मतलब अब मेरा अभी तक कोई एग्जाम निकला नहीं था क्योंकि मेरा अर्निंग अच्छा हो रहा है, तो मैं प्राइवेट पे ही, मतलब अपने ही काम में खुश हूँ वैसे तो। और जॉब मेरी चॉइस है खुद की भी, मतलब मेरी अपनी चॉइस है जॉब ना करना। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि ससुराल से कोई प्रेशर है या हस्बैंड का कोई प्रेशर है कि जॉब नहीं करनी है, घर पे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो दिल में आता है मुझे करने देते हैं, और जॉब मेरी अपनी चॉइस है, मतलब मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे यार आज, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो आप सबने बोला था कि बहुत स्ट्रेच कर दिया है, इस बार मैं इतना स्ट्रेच नहीं करूंगी। आई विल ट्राई टू मेक इट क्रिस्प एंड क्लियर। और हाँ, ये भी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर कर सकूं अपनी तरफ से। हाउस टूर कब करवा रहे हो दी? मतलब होम टूर लिखना था इन्होंने। चलो होम टूर मुझे समझ नहीं आया, ससुराल वाले घर का चाहते हैं या फिर रेंटेड वाला, जो जहाँ भी हम करंटली रह रहे हैं वहां का चाहते हो आप, तो वो आप क्लियर कर देना। होम टूर के लिए यार कुछ बन ही नहीं रहा है उस तरह से, क्योंकि मोस्टली जब भी हम, मतलब मेरे ससुराल जब भी हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम से ही जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम फ्री होके जाए और उनके, मतलब वहाँ पे। अब होम टूर करवाने से पहले थोड़ा सेटअप भी ज़रूरी है, थोड़ी बहुत सेटिंग भी करनी पड़ेगी, थोड़े मैंने चेंजेस का सोच रखा है, जब वो हो जाएगा तो बहुत ही जल्द करवा भी दूंगी, होपफुली मतलब आने वाले इस साल में हो जाए, मतलब इसी साल के अंदर अंदर, मतलब मैं ये सोच रही हूँ मोस्ट लाइकली इस साल में कर दूंगी मैं। आप और आपकी फैमिली कहाँ रहती है? देखो मेरी दो फैमिलीज है, मतलब तीन फैमिलीज है, मेरे हस्बैंड वाली फैमिली मेरी एक फैमिली, मेरे मायके वाली फैमिली मेरी दूसरी फैमिली, मेरे ससुराल वाली फैमिली तीसरी फैमिली। तो मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं नाहन में, क्योंकि उनकी पोस्टिंग है नाहन में। नाहन पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल के, और मेरा ससुराल पड़ता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा मायका पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। अब देख लो तीनों अलग अलग फैमिलीज का बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल यू स्टार्ट माय रिक्वेस्टेड वीडियो सीरीज टॉवल रैप्ड ऑन हेड? यार मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा है ये चीज़ करना, मतलब यहाँ पे मैं ये सोच रही हूँ कि सारे लोग मजाक लग जाएंगे उड़ा रहे, पर फिर भी मैं कोशिश कर सकती हूँ। टावल रैप की जगह आप कुछ और चैलेंज दे दो, क्योंकि मुझे इसमें ना थोड़ा डर सा भी लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग हंसेंगे मुझ पे। अभी मेरी वो झिझक खुली नहीं है, हाँ जब वो मेरी झिझक खुल जाएगी तो आई थिंक मैं ये चीज़ कर पाऊंगी। तो आई गेस मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवानी दी, आप जम्मू आए हो कभी घूमने? नहीं, मैं घूमने जम्मू तो नहीं आई हूँ, लेकिन मैं अभी रिसेंटली वैष्णो देवी गई थी,
वो मई के एंड में और जून की स्टार्टिंग में, मतलब हाँ ऐसे में गए थे। तो फिर जम्मू तो नहीं घूमे लेकिन वैष्णो देवी वगैरह, मतलब सिर्फ वैष्णो देवी जाके आए और वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करके, दैट्स इट। जम्मू नहीं गई हूँ। दी अपनी लव स्टोरी, लव स्टोरी का यार मैंने व्लॉग अलग से पोस्ट किया है, आप, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, आप वहां से भी देख लेना। अब अलग से मैं लव स्टोरी नहीं बताऊंगी क्योंकि एक बार ही तो हो ही गया है, उस पर रिपीट क्यों करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप और रजत में एज डिफरेंस, हमारे में है 1 साल कुछ महीने का, मतलब 1 साल ही समझ लो, 1 साल सवा 1 साल के करीब। आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर का प्लान यार, कल में कौन जीता है, ना मैं पिछले कल में जीती ना मैं अगले कल में जीती हूँ, मतलब मुझे मुझे क्या, किसी को भी ये सर्टेनिटी तो होती नहीं है कि अगला कल हमने देखना भी है या नहीं देखना है। आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव हेयर, बट हाँ मतलब मुझे आज में जीना पसंद है, तो फ्यूचर के लिए एज सच मैं कोई प्लानिंग्स नहीं करके चलती, क्योंकि पास्ट में बहुत चीज़ें ऐसी हुई है कि मैंने कुछ प्लान किया और हो कुछ और गया, तो इसलिए नो प्लान्स फॉर फ्यूचर। आई नो ये बहुत आपको अजीब साउंड कर रहा होगा, बट इट्स द हार्श ट्रुथ ऑफ लाइफ कि प्लीज़ कभी भी फ्यूचर के लिए या मतलब अपने प्लान्स टेंटेटिव बना लो, पर इतना मत वो करो। पर हाँ टेंटेटिव प्लान में मेरे भी ये है कि मैं अपना फ्लैट खरीदूँ, ये मैं कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, पहली बार आपको बता रही हूँ, बट हाँ ये मेरा प्लान में, मतलब ये मेरी सोच है, प्लान तो नहीं मैं कर रही हूँ इसके लिए कुछ भी, क्योंकि प्लानिंग्स हमेशा धराशाही हो जाती है, क्योंकि गॉड के प्लान के आगे हमारी प्लानिंग्स कहीं नहीं चलती। तो ये मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लान्स मत बनाओ, क्योंकि भगवान की चक्री जब चलती है ना तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, योर फेवरेट डेस्टिनेशन टू ट्रैवल, हिमाचल। मेरे को पूरा हिमाचल घूमना है, मेरा हिमाचल और इंडिया, मतलब स्पेसिफिकली पूरा इंडिया भी घूमना ही है, लेकिन फेवरेट में कंसिडर करो तो हिमाचल से बढ़कर मुझे कुछ नहीं लगता। बट हाँ अभी रिसेंटली मेरे को जाने का मन हुआ है लेह लद्दाख, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा घूमने का उसके लिए। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके मम्मी पापा इतने, और हाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर भी डाले थे, मतलब ब्रॉडकास्ट चैनल है मेरा इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके क्वेश्चन पूछ सकते थे मुझसे, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, तो उनके भी मैं कुछ आंसर्स आपको देती हूँ। उसमें से पहला क्वेश्चन है, आपके मम्मी पापा इतने सिंपल है, सिंपल एंड स्वीट कैसे हैं? ऑल्सो रजत भी बहुत ग्राउंडेड है। ये क्वेश्चन है काजल जी का। तो हाँ मेरे मम्मी पापा बहुत सिंपल एंड स्वीट है, और रजत भी बहुत बहुत ग्राउंडेड है, लेकिन मुझे क्या पता है कि कैसे है वो, बट हाँ उनके कुछ उनके संस्कार हम में आए हैं, इसलिए हम भी, मतलब मैं और रजत दोनों ही, हम दोनों को वैसे मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि यू बोथ लुक अलाइक, और प्लस हम दोनों का जो बिहेवियर है, हमारा जो नेचर है, वो भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा रजत शांत है, मैं थोड़ा मतलब मैं अशांत हूँ, दो मेरे व्लॉग्स में इतना पता नहीं लगा है कि मैं कितनी अशांत हूँ, पर हाँ मैं थोड़ी सी अशांत हूँ, वो थोड़ा शांत नेचर का है, काम नेचर का है, बाकी सिंपल। यार पापा का हमेशा ही एक ही फिलॉसफी होती थी हमेशा से, बचपन से जो हम सुनते आए हैं पापा का, कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो हम भी वही सोचते हैं, मतलब हाई थिंकिंग आई वुड नॉट से कि हमारी बहुत हाई थिंकिंग है, नहीं हम भी नॉर्मल ही है, पर हाँ मतलब सिंपल रहो उसमें अच्छा लगता है यार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर आर यू सीइंग योरसेल्फ इन 5 years टू बी स्टेबल, बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ये है नमन जी का क्वेश्चन। अब वही बात है कि 5 सालों में अपना प्लान कुछ भी हो, सोच कुछ भी हो, बट भगवान के प्लान्स के सामने सबके प्लान्स फेल हो जाते हैं। हाँ फ्लैट लेना चाहती हूँ, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, भगवान ने चाहा तो मिलेगा, नहीं चाहा तो क्या कर सकते हैं फिर भी, पर हाँ पॉजिटिव रहना है कि होगा, एक दिन होगा, ज़रूर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच सेक्टर जीजू वर्क्स। जीजू का है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो मतलब अब आपने सेक्टर पूछा तो गवर्नमेंट जॉब में है वो,
और हाँ, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता था कि उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया था। उन्होंने एलाइड का क्वालिफाई किया है, हिमाचल में एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, तो वो उन्होंने क्वालिफाई किया था। और अभी वो उनका डेजिग्नेशन है ASTEO, मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर, ये इन शॉर्ट ये समझ लो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अलग। और हाँ नमन जी, आपने दो दो क्वेश्चन पूछे, ये गलत बात है यार, सबको मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी है कि आप दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक ही इंसान पूछे, तो मतलब अगले सालों के लिए भी रहने दो कॉन्टेंट मेरे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीति शर्मा, आप यूट्यूब से कितना अर्न करती हो, कितने के होने पर अर्निंग स्टार्ट होती है? हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पूछा भी है, और पहले भी जो मैंने Q&A किया था उसमें भी पूछा था। तो उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कितना आंसर कर सकते हैं। आंसर तो देखो, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं आंसर कर सकते, वो क्लियर है यूट्यूब का, बट हाँ मैं टेंटेटिव फिर भी मैं आपको बताऊँगी। और अर्निंग स्टार्ट होने का बताती हूँ पहले इसमें, कि इसमें क्या होता है, 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए आपके यूट्यूब पर, और 1K, हाँ 1K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। मतलब ये क्राइटेरिया रखा है यूट्यूब ने, जिसके बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। हाँ, शॉर्ट्स का भी है कुछ, उसमें शायद 1 मिलियन का है, 1 मिलियन वॉच आवर्स होने चाहिए और वही 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, उसके बाद आपकी अर्निंग। मतलब मुझे शॉर्ट्स वाला एग्जैक्ट नहीं है मालूम, लॉन्ग वीडियो का बताया मैंने आपको। और यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है, मतलब टोटल बता रही हूँ आपको, कि देखो यूट्यूब का इतना ज़्यादा भी नहीं मुझे आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाता है, वही है कि काम आप कितना करते हो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरी मतलब जैसे प्रमोशनल वीडियोज़ होती है उनका अच्छा अमाउंट आता है, तो अप्रॉक्स मतलब बस 6 डिजिट छू ही चुकी हूँ, ये समझ लो 6 डिजिट, मतलब मैं टच कर ही चुकी हूँ 6 डिजिट नहीं, 1 मिनट। हाँ, तो मैं अप्रॉक्स 5 और 6 के बीच में, बस अब इतना ही बताऊंगी, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बताया तो यूट्यूब यार मेरा चैनल ही बैन कर दिया, तो कहाँ जाऊंगी मैं, फिर क्या खाएगा मैं, मेरी रोजी रोटी है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया इसका आंसर। दी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते हो? मेरी क्वालिफिकेशन मैंने पहले भी बताई है, मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक, मतलब इंजीनियर हूँ मैं, और बीटेक की है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, सोलन के ही एक कॉलेज से की है, मतलब सोलन के कॉलेज से, एज इन की HPTU के अंडर था, मतलब गवर्नमेंट एफिलेटेड, गवर्नमेंट के ही हमारे एग्जाम, मतलब HPTU जाते थे चेक होने भी, तो HPTU के अंडर एक कॉलेज है, उससे मैंने बीटेक की है। और गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ही नहीं निकला यार, सच बताऊँ तो बेशक इंटेलिजेंट थी, पर कई बार आपके इंटेलिजेंस आई फील कि आप मतलब मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी जब मैं एग्ज़ाम देती थी, ओवर कॉन्फिडेंट ऐसी कि यार मैं तो हर चीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि आज से मतलब उससे पहले, नॉट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के की बात की कर रही हूँ, मैंने उससे पहले जितने भी लाइफ में एग्ज़ाम्स दिए, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे नवोदय का एग्ज़ाम दिलवाया था, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स हुए वो सब मैंने 1 go में क्लियर किए हैं, 1 go में। सच बात यही है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी कुछ हो आपने किया हुआ, लेकिन वही बात है कि भगवान का जो प्लान है ना, क्योंकि मैं हमेशा से, मैं इस लाइन में, मैं आपको सच बताऊं, मैं बाय चांस आई हूँ, नॉट बाय चॉइस आई हूँ। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि मेरे प्लान्स क्या होंगे, और मैं बहुत खुश हूँ आज कि थैंक यू सो मच, मैं हर दिन भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलवाया, अगर मेरा एग्ज़ाम निकलवा दिया होता तो मैं गवर्नमेंट जॉब में होती, और मतलब मुझे किक ना मिल रही होती। मुझे हमेशा से ऐसा चाहिए था, ऐसी कोई लाइन जिसमें मुझे किक मिले एवरी डे, मतलब मैं कुछ नया करूं, कुछ अलग सीखूं, तो ये मेरी अब मेरी चॉइस वाली लाइन है, बट स्टार्टिंग में बाय चांस मैं इसमें आई।